गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को परामर्श के सिद्धांतों के विषय में बताया था। परामर्श के सिद्धांत चार प्रकार के होते हैं। पहला, प्रभाववर्ती सिद्धांत। प्रभाववर्ती सिद्धांत में व्यक्ति के विषय पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति के साक्षात्कार का वातावरण निर्मित किया जाता है और व्यक्ति को ही जानने समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरे प्रकार के सिद्धांत में हमने बताया था आप लोगों को व्यवहारवादी सिद्धांत व्यक्ति पर बल नहीं देता है। प्रभाववर्ती सिद्धांत जहां एक ओर बल इस बात पर देता है कि उपबोध्य कैसा अनुभव करता है, वह व्यक्ति पर बल देता है, लेकिन व्यवहारवादी उपागम में उपबोध्य के अनुभवों की अपेक्षा उसके व्यवहारों को जानने और समझने में अधिक रुचि ली जाती है। व्यवहारवादी उपागम में व्यवहार पर और व्यवहार की क्रिया पर मुख्यतः बल दिया जाता है। यहां तक हमने आपको कल समझाया था। आज हम समझाने जा रहे हैं बोधात्मक सिद्धांत। प्रथम शताब्दी के दार्शनिक इपिकैक्टेस का विश्वास था कि लोग वस्तुओं से परेशान नहीं होते हैं, व्यक्ति वस्तुओं से परेशान नहीं होता है, वरन उनकी परेशानी का मूल कारण उनका वह अभिमत होता है जो वे उस वस्तु के विषय में रखते हैं। अर्थात धारणा किसी के विषय में हम अच्छी भी धारणा रख सकते हैं और गलत भी धारणा रखते हैं। हम दुखी कब होते हैं? जब हम किसी के प्रोग्रेस को देखकर खुश होते हों या निराश होते हों, तो ये हमारी धारणा हुई। इसी धारणा को उन्होंने मूल कारण बताया है कि मनुष्य की परेशानी का मूल कारण उनका वह अभिमत है जो वह उस वस्तु के विषय में रखते हैं। इसी प्रकार से परामर्श उपागम जो व्यक्ति के बोधात्मक उन्मेष पर केंद्रित है, इस प्रकार की जगत दृष्टि पर बल देते हैं। इनकी मूल धारणा होती है अधिगमित भ्रमों अथवा दोषपूर्ण विश्वासों पर आधारित। जब किसी व्यक्ति को परामर्श देता है तो परामर्श के माध्यम से वह व्यक्ति के भ्रमों एवं दोषपूर्ण विश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए परामर्श में इनकी मूल धारणा यही होती है कि अधिगमित भ्रमों एवं दोषपूर्ण विश्वासों पर आधारित इनको दूर करने का प्रयास करता है। परामर्श मनोचिकित्सा की एक विधि के रूप में होती है और वे इन्हीं दूषित विश्वासों व भ्रमपूर्ण विचारों को संशोधित, परिवर्तित या निर्मूल करने की
या निर्मूल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परामर्श लेने, जब कोई व्यक्ति परामर्शकर्ता के पास जाता है बच्चों, तो उसके अंदर जो संशय रहता है, जो भ्रामक बातें भ्रमवश उसके मन में चल रही हैं, जो दूषित विश्वास है, दोषपूर्ण भ्रमपूर्ण विचारधाराएं हैं, उन्हीं को परामर्श के माध्यम से परामर्शकर्ता, जो परामर्शदाता है, परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के अंदर से इनको दूर करने का प्रयास करता है और व्यक्ति को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि उसके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न न हो। प्रभावर्ती तथा व्यवहारवादी सिद्धांतों से पृथक बोधात्मक सिद्धांत में यह स्वीकार किया जाता है कि संज्ञान या बोध व्यक्ति के संवेगों व व्यवहारों के सबसे प्रबल निर्धारक हैं। बोधात्मक सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि संज्ञान या बोध व्यक्ति के अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं संवेगों के कारण, और वो जो वो व्यवहार करता है उन व्यवहारों के सबसे प्रबल निर्धारक के रूप में होता है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी वो सोचता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार वह अनुभव व व्यवहार करता है। घटनाएं या लोग किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अनुभव करने या किसी निश्चित रूप में व्यवहार करने हेतु वस्तुतः बाध्य नहीं करते। कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई घटना या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके अनुभव, जो कुछ भी वह सोचता है उसके अनुभव और उसके व्यवहार को करने के लिए कोई व्यक्ति या कोई घटनाएं उन्हें बाध्य नहीं करती हैं। इसके लिए स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके लिए व्यक्ति का तो स्वयं ही स्वयं जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को तो स्वयं ही अपने संवेगों व व्यवहारों को बोधात्मक स्तर पर उद्वेलित करना चाहिए। इस प्रकार से इस उपागम के समर्थकों का मानना है कि बाह्य घटनाएं या कारक प्रत्यक्ष रूप से सांवेगिक या विशिष्ट रूप में व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं की जनक के कारण होती हैं। इस उपागम के समर्थकों का यह मानना है कि बाह्य घटनाएं या कारक प्रत्यक्ष रूप से सांवेगिक या व्यवहारजन्य व्यक्ति के संवेगों, जो संवेग उत्पन्न होते हैं उन संवेगों के लिए, या जो कुछ भी वह व्यवहारजन्य प्रतिक्रिया करता है उन प्रतिक्रियाओं के उत्पत्ति या प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति का कारण नहीं होती है। इस संदर्भ में बारुत तथा हुबर ने 1985 में बारुत तथा हुबर ने तो विशिष्ट रूप से इस बात को प्रतिपादित किया कि विशिष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति की आंतरिक घटनाएं या व्यापार
सांवेगिक अथवा व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं की आंतरिक घटनाएं या व्यापार सांवेगिक अथवा व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं के अधिक प्रबल व प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनका कहना था कि जो कुछ भी विशिष्ट रूप में होता है वह व्यक्ति की आंतरिक घटनाएं, जो कुछ भी उनके अंदर घटित होती है, आंतरिक जो कुछ भी वो मन में धारणा बनाते हैं वह आंतरिक घटनाएं, या व्यापार सांवेगिक जो उनके संवेग हैं, सकारात्मक नकारात्मक जो कुछ भी, अथवा जो कुछ भी वो व्यवहारिक रूप से जो व्यवहार प्रकट करते हैं, व्यवहारिक प्रतिक्रिया करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं के अधिक प्रबल व प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। पूर्वोक्त धारणाओं पर आधारित परामर्श के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सिद्धांतों में मुख्य गणना इलिस के तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति, माल्ट एसबी के तार्किक व्यवहार चिकित्सा पद्धति, बेक की बोधात्मक चिकित्सा पद्धति तथा बारुथ व हुबर के कार्य संपादन विश्लेषण आदि हैं। इसी संदर्भ में रेट ने तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति, एक प्रचलित व लोकप्रिय बोधात्मक उपागम है जिसका उपयोग परामर्श के क्षेत्र में काफी समय से किया जाता रहा है। तार्किक सांवेगिक चिकित्सा पद्धति एक प्रचलित व लोकप्रिय बोधात्मक उपागम है जिसका उपयोग परामर्श के क्षेत्र में काफी समय से किया जा रहा है। और बोधात्मक उपागम का प्रयोग काफी लंबे समय से किया जा रहा है। इसकी दो मुख्य मान्यताएं हैं। पहला, बोध या संज्ञान मानव व्यवहार एवं संवेगों के सर्वाधिक प्रबल निर्धारक है। पहला क्या है? बोध या संज्ञान मानव व्यवहार एवं संवेगों के सर्वाधिक प्रबल निर्धारक हैं। और दूसरा है बच्चों, अकार्यात्मक चिंतन से ही अकार्यात्मक सांवेगिक दशा तथा व्यवहार प्रतिरूप उत्पन्न होती है, जिनकी विशेषताएं अति सामान्यीकरण, अति सरलीकरण बढ़ा चढ़ाकर देखना, अतर्क या कुतर्कपूर्ण विश्लेषण या अवधारणाएं होती हैं। अकार्यात्मक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति किसी कार्य को एकदम सामान्य स्थिति में लेता है, उस पर बहुत गंभीरता से नहीं सोचता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना और किसी भी विषय पर तर्कपूर्ण डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन न करके अतर्क या कुतर्कपूर्ण विश्लेषण या अवधारणाएं व्यक्त करना। इस प्रकार के चिंतन का परिणाम इलस ने अतर्कपूर्ण विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि जो विश्वास उनके अंदर अतर्कपूर्ण है, इसी कारण से इस प्रकार का चिंतन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे परामर्श का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति को इन्हीं अतार्किक विश्वासों के परीक्षण में सहायता करना, वह उसके तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता का विकास
विकास करना। परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य भी होता है कि व्यक्ति के अंदर जो ये अतार्किक बातें हैं, अतार्किक विश्वास है, उनको उसके विषय में बोध कराना। बोध कराने के साथ साथ उनमें तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता को विकसित करना, जिससे कि वह इन भ्रमों से दूर हो सकें और स्वस्थ एवं तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास करें। बोधात्मक सिद्धांत की एक अन्य लोकप्रिय एवं प्रचलित विधा कार्य संपादन विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यवहार की समझ इस मान्यता पर निर्भर करती है बच्चों कि सभी व्यक्ति अपने पर विश्वास करना सीख सकते हैं। इस मान्यता के अनुसार जो अर्थ है उसमें यह कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करना सीख सकते हैं, अपने लिए चिंतन या विचार कर सकते हैं, चिंतन और विचार भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपने निर्णय ले सकते हैं, तथा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। इसके सिद्धांतों का प्रयोग व्यवसाय, घर, स्कूल, पड़ोस सभी क्षेत्रों में संभव है। जहाँ भी लोगों का संपर्क लोगों से होता है, तो टीए ने लोगों के मूल स्वभाव उनके विकास तथा प्रकारों को समझने के लिए चार केंद्र बिंदु स्वीकार किए, जिन्हें क्रमशः संरचनात्मक विश्लेषण, कार्य संपादन विश्लेषण, लेख विश्लेषण तथा क्रिया विश्लेषण के चरणों से में जाना जाता है। तो कार्य संपादन विश्लेषण में आपने ये जाना कि सभी व्यक्तियों में अपने लिए विश्वास उत्पन्न करना, अपने लिए चिंतन करना, अपने लिए निर्णय लेना, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ इस सिद्धांत में इस बात पे भी जोर दिया गया था बच्चों कि घर, स्कूल, पड़ोस, सामाजिक क्षेत्र जितने भी हैं, सामाजिक क्षेत्रों में भी यह संभव है। जहां भी लोगों का लोगों से संपर्क होता है, वहीं पर इन कार्यों का संपादन हो जाता है। और संपादन के आधार पे चार केंद्र बिंदु, उनको समझा आपने, संरचनात्मक विश्लेषण, कार्य संपादन विश्लेषण, लेख विश्लेषण और क्रीड़ा विश्लेषण। अब दूसरा आता है बच्चों, संरचना विश्लेषण। संरचनात्मक विश्लेषण
में बच्चों व्यक्ति की तीन अहम दशाओं पर आधारित होता है। ये तीन अहम दशाएं हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत में बताया था, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के तीन रूपों को उन्होंने बताया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो पर ही संरचनात्मक विश्लेषण व्यक्तित्व का सिद्धांत भी आधारित है। संरचनात्मक विश्लेषण व्यक्तित्व की तीन अहम दशाओं पर आधारित होता है। पहला है अभिभावकीय अहम, जिसको हम ईगो कहते हैं। अभिभावकीय अहम में बाहरी स्रोतों से जो अर्जित अभिवृत्तियां एवं व्यवहार होते हैं वह अभिभावकीय अहम के अंतर्गत आते हैं। वयक्त अहम में तार्किक प्रकारों तथा वस्तुनिष्ठ सूचनाओं का संकलन होता है। अभिभावकी में अर्जित अभिवृत्तियां तथा व्यवहार होते हैं। एडल्ट ईगो में बच्चों वयक्स ईगो में तर्कों पर आधारित प्रकार होते हैं, तार्किक प्रकारों तथा वस्तुनिष्ठ सूचनाओं का संकलन होता है। जबकि बाल ईगो बाल अहम में मुख्यतः आवेग समाविष्ट रहता है। व्यक्ति के पारस्परिक प्रकारों की विवेचना में अहम के दशाओं का उपयोग किया जाता है। जब कभी व्यक्ति अपने बड़ों या अपने अभिभावकों का अनुसरण, व्यवहार, चिंतन अथवा अनुभव करता है और अनुभव के दौरान वह अपने जीवन में उन्हीं अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों को ले आता है, उन व्यवहारों को प्रकट करता है, तो अनुभव के क्षेत्र में करते हैं तो तब वे अभिभावकी अहम की दशा होती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति वर्तमान की वास्तविकताओं से जूझ रहे होते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, उन समाधानों के निष्कर्षों और विश्लेषणों के आधार पर जो सूचनाएं एकत्र करते हैं और सूचनाएं एकत्र करके निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, तब वे वयक्स अहम की दशा में विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति व्यवहार, अनुभव व चिंतन में अपनी बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति करता है, यानी जो कुछ भी उसके साथ व्यवहार हुआ है बाल्यावस्था में, जो कुछ भी उसके साथ व्यवहार हुआ है, उन व्यवहारों का वो अनुभव और चिंतन करके उसकी पुनरावृत्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, तब वह व्यक्ति बाल अहम की दशा में विचरण करने लगता है
कार्य संपादन विश्लेषण का उपयोग व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परीक्षण हेतु किया जाता है और अंतःक्रियाओं के तीन मूल वर्गों सहयोगी, कटावपूर्ण तथा परवर्ती में विभाजित कर विभिन्न कार्य संपादनों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। लेख विश्लेषण में व्यक्ति की जीवन योजना को समझने का प्रयास किया जाता है। लेख विश्लेषण में व्यक्ति अपने जीवन में क्या योजना बना रहा है, क्या करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, इसके करने के पीछे क्या कारण है, जो वह कर रहा है वह सही है या गलत है, इन सभी बातों की उनके जीवन से संबंधित योजनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है तथा क्रियाएं भी जीवन लेख के अंशों के रूप में आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक विश्लेषण में हमने व्यक्ति की तीन अहम दशाओं पर यह आधारित है बताया आपको। पहला अभिभावकीय अहम, दूसरा वयस्क अहम और तीसरा बाल अहम। इन तीनों के आधार पे ही व्यक्ति अपने जीवन के व्यवहार को करता है। इन व्यवहारों में जो तर्कसंगत है, तर्कपूर्ण है, उन्हें परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो तर्कसंगत नहीं है, अतर्कपूर्ण है, विश्वासों से भ्रमित है, उनके भ्रम को दूर करना, उनके अतर्क पूर्ण विश्वास को दूर करने का प्रयास परामर्श के माध्यम से किया जाता है। और जिनमें यह धारणा, जो संरचित धारणा है, हम बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी बाल्यावस्था में व्यक्ति के साथ जैसा भी जीवन व्यतीत हुआ, बाल्यावस्था जैसा भी बीता, वह अनुभव, वह अनुसरण, वह अनुकरण जीवन पर्यंत संरचित रहता है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन काल में उन संरचित भावनाओं, अनुभवों एवं व्यवहारों को प्रकट करता है। तो यह बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति कही जाती है। इस प्रकार से कार्य संपादन विश्लेषण का उपयोग व्यक्ति के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परीक्षण हेतु किया जाता है। इस उपागम की सामान्य परिकल्पनाओं को हेरिस ने चार रूपों में दर्शाया। पहला, कोई भी व्यक्ति हो जो आपके पास आता हो या आप उसके पास जाते हो, जो भी है, वह कहता है मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं। अगर वह ऐसा संबोधन करता है, जो अधिकतर लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, तो अगले का आंसर होता है कि मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यह एक स्वस्थ मानसिक दशा होती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति से उत्तर देने वाला व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूँ आप ठीक नहीं हैं, मैं ठीक हूँ आप ठीक
नहीं है, यह उस व्यक्ति की मनोस्थिति है जो कि दूसरे को अपने दुखों का कारण स्वीकार करता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो होता है वह इस प्रकार का है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वह कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हैं। यह लोगों की सामान्य मनोस्थिति है, यह लोगों की सामान्य मनोस्थिति है, जबकि वे अन्यों की तुलना में वह दूसरे की तुलना में अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करते हैं। और जो चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है बच्चों, कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हैं, इस प्रकार के उत्तर, इस प्रकार की बातें यह दर्शाती है कि यह व्यक्ति जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है, इसकी मनोदशा ठीक नहीं है। इस प्रकार से परामर्शदाता इसके अंतर्गत उपबोध्य को उसकी नष्ट अहम दशा के पुनर्निर्माण हेतु प्रेरित करता है। समय अनुकूल अहम दशा के उपयोग की प्रणाली अपनाने में सहायता करता है तथा उसे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने व विकसित करने की क्षमता दृढ़ करने का संबल देता है। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों कि व्यक्तित्व के निर्माण में ईड ईगो और सुपर ईगो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ईड किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वह गलत हो या सही हो इसका निर्णय नहीं देता है। दूसरा एक कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाता है, दूसरा उसको कहता है कि इस कार्य को करिए। ईगो, जो ईगो होता है परा अहम, अहम ईगो जो होता है वह कहता है कि इस कार्य को किया तो जाना चाहिए और तुरंत किया जाना चाहिए, लेकिन इस कार्य को करने के पश्चात क्या परिणाम होंगे। और सुपर ईगो उस परिणाम के विषय को दर्शाता है कि यह सही है या गलत है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में ईड ईगो और सुपर ईगो तीनों का महत्व है, जिसको परामर्शदाता के द्वारा उपबोध्य में उसकी नष्ट हुई अहम की दशा को पुनर्निर्माण हेतु प्रेरित किया जाता है और समय अनुकूल अहम की दशा के उपयोग की प्रणाली अपनाने में सहायता प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों बोधात्मक उपागम उपबोध्य की समझ या संज्ञान के विस्तार को ही उसकी समस्याओं के हल हेतु कारक स्वीकार करता है। बोधात्मक उपागम के माध्यम से परामर्श लेने जो व्यक्ति आया है उसकी समझ एवं संज्ञान का विस्तार किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसके नष्ट हुई अहम दशा के पुनर्निर्माण हेतु प्रेरित किया जाता है, संज्ञान का विकास किया जाता है, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उसको सक्षम बनाया जाता है, उसे यह विश्वास कराया जाता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं, आपके अंदर यह क्षमता है। उसके अंदर जो अतार्किक अविश्वास जैसी मान्यताएं हैं
कुतर्क विश्लेषण है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है और उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता का विकास किया जाता है। इसके साथ साथ परामर्श के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने व विकसित करने की क्षमता का विकास किया जाता है, वह दृढ़ता प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें, अपने समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। इस प्रकार से बोधात्मक सिद्धांत की मुख्य उद्देश्य परामर्शदाता के द्वारा उपबोध्य को उसकी अहम नष्ट हुई अहम के दशाओं के पुनर्निर्माण हेतु प्रेरित करना, जागृत करना, जिससे कि वह अपने जीवन प्रणाली में उसको अपना सके, समय अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप अहम की दशा के उपयोग की प्रणाली को अपनाने में वह सहायता प्रदान करे और व्यक्ति उस सहायता को स्वीकार करके आगे अपने जीवन में इसको अपनाने का प्रयास करे। इस प्रकार से यह टॉपिक हम अब यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम व्यवस्थावादी विभिन्न दर्शनग्राही उपागम के विषय में चर्चा करेंगे कि व्यवस्थावादी सिद्धांत क्या है और क्यों है। थैंक यू।